मेरी माँ बहनों, उससे पहले तुम यहां से उठो, मैं तुमसे एक वादा लेना चाहता हूं कि देखो हमें रब को नाराज नहीं करना है। अल्लाह कह रहे कुरान में हमें रब की मदद चाहिए, और अल्लाह अपनी मदद हासिल करने का तरीकेकार बता रहा है कि वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात, और तुम सब्र और नमाज से अल्लाह की मदद हासिल करो। अल्लाह कह रहा है और तुम सब्र और नमाज से अल्लाह की मदद हासिल करो। ए मेरी माँ बहनों, आज मैं तुमसे मुखातिब हूं, आज मुस्तफा कमाल से एक वादा करो कि हम अपने रब को नाराज नहीं करेंगे। अगर हम में कोई नमाजी नहीं है, चाहे वो शिया हो, सुन्नी हो, देवबंदी, बरेलवी, अभी मैं हिंदुओं से बात नहीं कर रहा, उनसे मुखातिब नहीं हूं, क्रिश्चियन से हमारी माए बहन आई उनसे मुखातिब नहीं हूं, मैं सिर्फ मुसलमान माओ बहनों से मुखातिब हूं कि पांच वक्त अल्लाह बुलाता है। अगर हम नमाज नहीं पढ़ते हैं तो हम पांच वक्त खुद नमाज पढ़ने वाले बने और अपने पूरे घर को नमाज पर लाने वाले बने, क्योंकि देखो एक एसएचओ बुलाता है, हम भाग कर जाते हैं उसके पास, एक मिनट भी ऊपर नीचे नहीं हो, एसएचओ नाराज हो जाएगा। कोई वजीर बुलाता है, उसके पास पांच मिनट पहले जाते हैं, ना वो रिस्क दे रहा है, ना वो शफा दे सकता है, ना वो इज्जत दे सकता है, ना वो जिल्लत दे सकता है। मेरा रब मुझे खाना दे रहा है, इज्जत दे रहा है, बच्चे दे रखे हैं, छत दे रखी है, बीमार पड़ता हूं तो शफा देता है, उसके बाद मेरी बात सुनता है, मरूंगा तो उसके सामने जाकर खड़ा होऊंगा। वो मुझे दिन में पांच दफा आवाज देता है, हय्या अलस्सलाह, हय्या अलफलाह। हम एक दिन उसकी बात नहीं मानते, हम दूसरे दिन उसकी बात नहीं मानते, हम हफ्तों उसकी बात नहीं मानते, हम महीनों उसकी बात नहीं मानते, हम सालों उसकी तरफ पलट कर नहीं देखते। फिर हम कहते हैं हम गटर मिला पानी पी रहे हैं, हमारा वजीर आजम दो नंबर निकल आया, हमारी हुकूमत दो नंबर निकल आई। देखो चाहे तुम रब को नाराज करके तुम कितने वजीर आजम बना लो, बंद गली में जाकर खड़े हो जाओगे। पाक सरजमीन पार्टी पहले दिन से अपने रब की रजा साथ लेकर चल रही है। ए मेरी माँ बहनों, वादा करो कि इस पिंडाल में बैठी हुई सारी मेरी माए बहने इंशाल्लाह ताला इस बात की तबलीग करेंगी कि खुद भी नमाज की पाबंदी करेंगे, हम रब को राजी करेंगे और अपने घर को भी नमाज वाला बना करेंगे इंशाल्लाह ताला, करेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह की मदद के बगैर कुछ हो नहीं सकता, और रब कह रहा है वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात, और तुम्हें अगर तुम सब्र और नमाज के जरिए मेरी मदद तलब करो, रब की मदद तलब करने का रास्ता नमाज से गुजरता है। हमें अमेरिका से मदद नहीं चाहिए, हमें इदारों से मदद नहीं चाहिए, मुझे मेरे रब से मदद चाहिए। बोलो चाहिए कि नहीं चाहिए रब से मदद, बोलो चाहिए कि नहीं चाहिए, मुझे मेरे रब से मदद चाहिए। और अल्लाह हमारे साथ है तो आपके दिलों में बात है, तो आज आप यहां पर बैठे हैं, हमने ये रास्ता पकड़ लिया, खुदा की कसम हम जहां जहां कदम रखेंगे फतह हमारा इंतजार कर रही होगी, और ये मजलूमों की मायूसी का दिन खत्म होने वाला है, जालिमों का बुरा टाइम आने वाला है, आ चुका है, और इंशाअल्लाह ताला हक की फतह का ऐलान होने वाला है, नई सुबह तुलू होने वाली है, जिस सुबह में इंसाफ होगा, पानी होगा, लोगों को पानी मिलेगा, रोजगार मिलेगा, लोगों को दवा मिलेगी, बच्चों को फीस देकर स्कूल भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सरकारी स्कूलों में तालीम होगी इंशाअल्लाह ताला, ट्रांसपोर्ट का निजाम सही होगा, पुलिस का निजाम सही होगा, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का निजाम सही होगा, बिजली जाना बंद हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला, गैस के लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला, ये पाक सरजमीन पार्टी करके दिखाएगी, अल्लाह की मदद से इंशाअल्लाह ताला हम करके दिखाएंगे।